मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की बेहतरीन जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स को मिले हैं तगड़े झटके। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स को हुआ है तगड़ा फायदा। मौजूदा पॉइंट टेबल में प्लेऑफ का बदल गया है पूरा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत रविवार को डबल हेडर दो महामुकाबले खेले गए। दोनों महामुकाबलों में मुंबई इंडियंस और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन तरीके से रोमांचक महामुकाबलों में जीत हासिल की। इस शानदार जीत के बाद अब पॉइंट टेबल का समीकरण गड़बड़ा गया है। तो ऐसे में मौजूदा पॉइंट टेबल किस तरीके की दिखाई दे रही है, कौन सी टीम किस पायदान पर नजर आ रही है, प्लेऑफ का समीकरण क्या कहता है और किस तरीके चेन्नई को तक झटका लगा है, सब कुछ आपको ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, इस साल आईपीएल के फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत अब तक 21 महामुकाबले खेले जा चुके हैं। दिन रविवार को डबल हेडर दो महामुकाबले खेले गए, जिसमें पहला महामुकाबला तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले की अगर थोड़ी सी बात करें तो इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने 29 रन के महाअंतर से हराकर पॉइंट टेबल में दो अहम अंक प्राप्त कर लिए। मुकाबले में पहले दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी की। पहले विकेट के लिए तूफानी अंदाज में साझेदारी करके रोहित शर्मा ने जब तक 49 रन बनाए 80 रन की साझेदारी कर दी। इस महामुकाबले में रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में 6 चौके, 3 छक्के लगाकर 49 रन बनाए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन ने 42 रन की साझेदारी की। हालांकि आज शाहरुख सूर्यकुमार यादव को मौका मिला तो वह खाता नहीं खोल पाए। फिर कप्तान हार्दिक पांड्या के 39 रन शामिल रहे, जो कि अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सफल रह पाए और अपनी टीम को 181 तक ले गए। जबकि टिम डेविड ने नाबाद 45, रोमारियो सैपट ने 10 गेंदों में 39 रन बनाए और मुंबई इंडियंस ने आज 5 विकेट के ऊपर 234 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसके जवाब में उत्तरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत में ही उसको तरह का झटका लग गया था। डेविड वार्नर महज 10 रन पर आउट हो गए थे, मगर इसके बाद पृथ्वी शाह और अभिषेक पोरेल के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई। आज पृथ्वी शाह ने इस महामुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करके 40 गेंदों मार चौके, 3 छक्के लगाकर 66 रन की पारी खेली। अभिषेक पोरेल ने 41 रन बनाए और अंत में ट्रिस्टन स्टेप्स ने 25 गेंदों में 71 रन बनाए, मगर 20 ओवर में पूरी टीम 8 विकेट खोकर 205 रन बना पाई और 29 रन से मुंबई ने महामुकाबला जीत लिया। वहीं पर दिन का दूसरा महामुकाबला फिर शाम को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन अंदाज में 33 रन के अंतर से जीत हासिल कर ली। लोई स्कोरिंग महामुकाबले की बात करें तो इस महामुकाबले में पहले लखनऊ के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल ने शुरुआत की, मगर आज क्विंटन डीकॉक 6 रन बनाकर पहले ओवर में उमेश यादव का शिकार बन गए। फिर देवदत्त पड्डीकल आए तो वह भी उमेश यादव का शिकार बनकर महज 7 रन पे चले गए। फिर मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल के बीच में बेहतरीन रसद की साझेदारी हुई। केएल राहुल ने आज 31 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। मार्कस स्टोइनिस ने 43 गेंदों में 58 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 22 गेंदों में 32 रन का सहयोग दिया, नॉट आउट रहे, 3 छक्के लगाए। आयुष बदले ने 11 गेंदों में 20 रन की बदौलत इस महामुकाबले में आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन 163 रन बनाए। 5 विकेट खोकर 164 रन का लक्ष्य चेज करना बड़ी बात नहीं थी, मगर फिर आज गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया। शुरुआत में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की। शुभमन गिल 19 रन बनाकर खेल रहे थे, यश ठाकुर ने उनको बोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद कैन विलियमसन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, 1 रन पर आउट हो गए। बियाज शरत नाम का खिलाड़ी आया, 2 रन पर चला गया। विजय शंकर 17 रन, दर्शन नालकंडे 12, राहुल तेवतिया 30 रन पर चले गए। पूरी टीम कुछ खास नहीं कर पाई। साई सुदर्शन ने 31 रन का सहयोग दिया और पूरी टीम 130 पर ऑल आउट हो गई। यश ठाकुर ने 5 विकेट लेकर इस महामुकाबले में आज कमाल कर दिया और गुजरात टाइटंस को पिछले 5 महामुकाबलों में पहली बार हराने में सफलता हासिल की है। गुजरात टाइटंस को इस महामुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल ला दिया है। इन दोनों जीत के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल में अब बहुत अंतर आ गया है, जहां पर टॉप 10 में 10वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गई है। शानदार प्रदर्शन करते हुए ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल सिर्फ 1 महामुकाबला जीता है। ऋषभ पंत की वापसी के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह जब कार के एक्सीडेंट के कारण बाहर हो गए तो अब अच्छी वापसी करेंगे। बतौर बल्लेबाज तो वह कुछ अच्छा कर पाए, मगर बतौर कप्तान वह कुछ खास नहीं कर पा रहे। अब तक 5 महामुकाबले इस साल खेले हैं और जिनमें 1 जीत 4 हार मिली है, 2 अंक और -1.37 की सबसे खराब नेट रन रेट है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस साल बेहद शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 9वें पायदान पर है। विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर है, मगर अकेला खिलाड़ी कब तक जिता सकता है जब पूरी टीम साथ नहीं दे रही है। फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 5 महामुकाबले में 1 जीत 4 हार है, 2 अंक है, -0.84 की नेट रन रेट, खराब चल रही है स्थिति 9वें पायदान पर है। मुंबई इंडियंस ने 1 महामुकाबले में जीत हासिल जरूर की और साथ में 8वें पायदान पर छलांग लगा दी है। हार्दिक पांड्या कप्तानी मुंबई ने शुरू
शुरुआती 3 महामुकाबले गंवा दिए, मगर चौथे महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को बुरी तरीके से हरा दिया। इस महामुकाबले में शानदार जीत हासिल की, साथ में 2 अंक प्राप्त कर लिए। 4 महामुकाबलों में 1 जीत मिली है, 3 हार उसको नसीब हुई है। 2 महत्वपूर्ण अंक -0.7 की उसकी बेहतरीन नेट रन रेट चल रही है। गुजरात टाइटन्स की बात करें तो 7वें स्थान पर चल रही है। गुजरात टाइटन्स इससे पहले टॉप 4 में थी, फिर 5वें पर आई और आज 7वें पर पहुंच गई। 5 महामुकाबले खेले हैं और 2 महामुकाबलों में सिर्फ जीत मिली है। शुभमन गिल कप्तानी में इस साल शानदार प्रदर्शन करके बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 साल में उसने हर बार फाइनल में जगह बनाई, मगर इस साल उसका बुरा हाल है। 3 महामुकाबले में हार मिली, 4 अंक हैं और -0.79 की बुरी नेट रन रेट उसकी चल रही है। पंजाब किंग्स बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शिखर धवन कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करके 6वें पायदान पर है। आज पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो 4 महामुकाबले में 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 अंक हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए -0.22 की नेट रन रेट जरूर है, मगर आने वाले समय में वह वापसी कर सकती है। 3 से 4 महामुकाबले जीतकर वह प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वहीं पर सनराइजर हैदराबाद 5वें स्थान पर चल रही है। पैट कमिंस को बहुत महंगा खरीदा, इस साल पैट कमिंस की कप्तानी में एक नई सनराइजर हैदराबाद खेलते हुए दिखाई दे रही है। इस साल जिस तरीके से उसने प्रदर्शन किया लाजवाब रहा है। 4 महामुकाबले में 2 जरूर उसको हारने पड़े, मगर 2 जीते हैं, उनमें उसकी नेट रन रेट में सुधार आया। 4 पॉइंट हैं और 0.40 की पॉजिटिव में नेट रन रेट और 5वें पायदान पर उसको भी 3 से 4 महामुकाबले अगर जीत लेती है तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 में 4वें स्थान पर खिसक गई है, एक समय टॉप पर चल रही थी, अब 4वें पायदान पर है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में चलने वाली इस टीम ने इस साल 4 महामुकाबले खेले हैं। 2 महामुकाबले में उसको हार भी झेलनी पड़ी है। 4 अंक है, मगर नेट रन रेट 0.51 की चल रही है। अब आने वाले महामुकाबलों में 3 से 4 महामुकाबले जीतेगी तब प्ले ऑफ के लिए वह टिकट पक्की कर पाएगी। वहीं पर टॉप 3 में लखनऊ सुपर जायंट्स पहुंच गई है और इतिहास रचते हुए उसने 3रा स्थान हासिल कर लिया है। 4 महामुकाबलों में केएल राहुल कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 महामुकाबले जीतकर 6 अंक प्राप्त कर लिए हैं। 1 महामुकाबले में उसको हार जरूर झेलनी पड़ी, मगर उसके बाद भी वो अच्छा प्रदर्शन करके 0.77 की नेट रन रेट के साथ 3रे पायदान पर है। उसको अभी आने वाले मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तब शायद पॉइंट टेबल में वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर दूसरे पायदान पर चल रही है। कोलकाता नाइट राइडर बेहद अच्छी टीम है, इस साल उसने इतिहास रच दिया है। बेहतरीन प्रदर्शन करके 3 महामुकाबलों में 3 जीत हासिल कर ली और आईपीएल इतिहास में पहली बार है जब शुरुआती 3 महामुकाबले कोलकाता लगातार जीत पाई हो। उसके 6 अंक है और 2.51 की नेट रन रेट है और बेहतरीन प्रदर्शन करके उसने इतिहास रच दिया और अब आने वाले मुकाबले में उसको 4 महामुकाबले जीतकर प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लेगी। राजस्थान रॉयल्स इस साल संजू सैमसन की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 स्थान पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको हिला दिया है। संजू सैमसन कप्तानी में और जोश बटलर के शतक के कारण पिछले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर इतिहास रचा। 4 में से 4 महामुकाबले जीतकर सबसे ज्यादा 8 अंक है, 1.12 की सबसे अच्छी नेट रन रेट है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही बेहतरीन प्रदर्शन करके सबसे पहले क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए। 3 महामुकाबले जीतकर टिकट पक्का कर लेगी। यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल दिखाई दे रही है जिसमें राजस्थान, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई टॉप 4 में है। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।